हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एतिमन। एक और नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर परिपत्र, पत्र और आदेश में ही आप लोगों को थर्ड नंबर पर नजर आ जाएगी किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु विज्ञप्ति शाखा समेकित बाल संरक्षण योजना। 6 सितंबर को ये एडवर्टीजमेंट जारी की गई है। यहीं पर आप लोगों को आवेदन पत्र भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो थर्ड नंबर पर नोटिफिकेशन है इसे ओपन करके देखेंगे। तो ये देखिए, संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधान के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरण के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति की वर्तमान रिक्तियों हेतु निम्नानुसार जिलों के लिए अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है संभाग के नाम लिखे हुए हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुर, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन। बाकी जिलों के नाम भी दिए गए हैं, कौन से जिले में कितने पद खाली हैं। तो जिले के नाम आप यहाँ देख सकते हैं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शिवपुरी, बड़वानी, खरगोन, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नर्मदापुरम, हरदा, सीधी, सिंगरौली। नेक्स्ट है सागर, छतरपुर, दामोह, अनूपपुर और देवास। यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, और जहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के जो है 50 पद हैं, यहाँ पर वैकेंसी 50 पदों की निकाली गई है। तो यहाँ पर हमने पद का नाम देख लिया है, उम्र देख ली है 35 से 65 वर्ष, और कौन से जिले में, कौन से संभाग में कितने पद खाली हैं ये हमें पता चल गया। अभी योग्यताएं हम देखेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर मनोचिकित्सा यानी साइकेट्री, समाज विज्ञान सोशियोलॉजी या विधि क्षेत्र लॉ, या सामाजिक कार्य सोशल वर्क या समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, या मानव स्वास्थ्य ह्यूमन हेल्थ, या शिक्षा एजुकेशन, या मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एजुकेशन शब्द भी जो है लिखा हुआ है और सोशियोलॉजी शब्द भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। या मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट, या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन में यानी कि आप लोगों ने बीएड किया है और इसके साथ में स्पेशल एजुकेशन में डिग्री जिन स्टूडेंट ने हासिल की है, सोशियोलॉजी में जिनके पास डिग्री है, सोशल वर्क में अगर कोई डिग्री है तो यहां पर एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे फिल करना है और कैसे जो है आप लोग भेजेंगे, तो यहाँ पर लिखा है आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजया राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल, पिन 462011, ये एड्रेस रहेगा। यहाँ पर दिनांक 29 सितंबर 2023 तक आप लोग स्वयं जाकर जमा भी करा सकते हैं, या फिर आप लोग भेज भी सकते हैं कोरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। ईमेल अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रारूप जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखा दिया था, पात्रता अपात्रता की शर्तें एवं अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की मेन वेबसाइट पर दी हुई है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को आवेदन पत्र जो है मिल जाएगा, ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस तरीके का जो है वो आवेदन पत्र रहेगा, इसे डाउनलोड करके आप लोग फिल कर लेंगे। और बाकी दोबारा से इन्होंने शर्त जो लिखी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही जो है फिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट की जॉब जल्द से जल्द लग सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।